इनरविल क्लब डिस्ट्रिक्ट 311 की असेंबली का दो दिवसीय कार्यक्रम 12 और 13 जून को होटल क्लास शिराज में आयोजित किया गया। डिस्ट्रिक्ट असेंबली में मुख्य अतिथि के रूप में इंटरनेशनल इनरविल क्लब की अध्यक्ष ममता गुप्ता मौजूद रहीं। इस मौके पर 13 जून को आयोजित समारोह में नीलू धाकरे इनरविल क्लब डिस्ट्रिक्ट 311 के नवीन अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर असेंबली के चेयरमैन मधु बघेल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इनरविल क्लब डिस्ट्रिक्ट 311 की दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट असेंबली प्रोग्राम का समापन होटल क्लार्क शिराज में गुरुवार को हो गया। असेंबली प्रोग्राम की शुरुआत क्लब की सर्विस प्रोजेक्ट एक्टिविटी से हुई। इस दौरान इंटरनेशनल इनरविल क्लब की प्रेसिडेंट ममता गुप्ता ने क्लब के आगामी एजेंटों को सबके सामने रखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद इंटरनेशनल इनरविल क्लब की प्रेसिडेंट ममता गुप्ता ने इनरविल क्लब डिस्ट्रिक्ट 311 की 54वीं डिस्ट्रिक्ट असेंबली की नवीन कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। हमारा जो इंटरनेशनल है उसमें ये चार लेवल पे काम करता है, इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट एंड क्लब। ये जो डिस्ट्रिक्ट है 311, ये हमारा इंडिया का वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। हमारे 27 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से एक ये डिस्ट्रिक्ट है। और आज इस डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट असेंबली हो रही है, ये नए साल की शुरुआत है। हमारा जो ईयर शुरू होता है वो फ्रॉम 1st of July से लेकर 30th of June तक होता है। और आज ये हम आने वाले साल की शुरुआत है, उसका चेंज ओवर सेरेमनी है ये, जो कि आज हमारे यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनने वाली है नीलू सिंह धाकड़े जी, उन्होंने लिया है, उनको कॉलर पहनाया गया है। और उन्होंने अपने ईयर की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की है। कल उन्होंने 111 शोइंग मशीन का स्पॉन्सरशिप किया एंड आज रिसाइकिल वाले जो बैग हैं वो बांटेंगे। और इस साल का जो हमारा थीम है, हम जो काम करेंगे वो हमारा, हम गरीब बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली कर रहे हैं कैंसर वैक्सीनेशन। तो हमने टारगेट किया है इंटरनेशनल से कि हम 1 करोड़ वैक्सीनेशन लगाएंगे रूरल एरियाज में भी जाकर और हमारे यहाँ पे स्कूल्स में भी जाकर। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हमने इस बार लिया है। इनरविल क्लब की डिस्ट्रिक्ट असेंबली की अध्यक्षता कर रही केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की धर्मपत्नी मधु बघेल ने नीलू धाकरे को क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनने की शुभकामनाएं दी। 101 साल हमारे इनरविल क्लब को पूरे हो गए हैं, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने मशीनों का वितरण किया था। 101 मशीनें बांटी गई हैं, एक प्रोजेक्ट किया। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनी है अब नीलू धाकरे जी, जो हमारी क्लब की ही मेंबर रही हैं, अब उन्होंने अपने आगरे का नाम रोशन किया है। मैं उनको बधाई देती हूँ और तहे दिल से उनका स्वागत भी करती हूँ कि आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे और ऐसे होंगे जिससे कि गरीब जो महिलाएं हैं अपने जीवन का निर्वाह कर सके। और आज के कार्यक्रम की मैं तहे दिल से नीलू जी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद। कार्यक्रम में मौजूद इनरविल क्लब डिस्ट्रिक्ट 311 के नवागत चेयरमैन नीलू धाकरे ने बताया कि क्लब साल भर समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्पों पर काम करता है। इस दौरान उन्होंने ममता गुप्ता को इंटरनेशनल इनरविल क्लब की अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। सबसे ज्यादा आभार मैं देना चाहूंगी हमारी जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जो है IIW प्रेसिडेंट 24-25, जो आज हमारे बीच में जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपने व्यस्तम कार्यक्रम, क्योंकि आपके यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है, इंटरनेशनल टीम का अधिष्ठापन समारोह भी है, फिर भी मैम आई हैं। तो मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका आभार व्यक्त करूं। और सभी लोग जो मेरा उत्साहवर्धन करने आए हैं, मेरी बहुत प्यारी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ इलेक्शन होता है और हम लोग चुन के आते हैं, कंटेस्ट करते हैं। जैसे आगरा जोन है तो इसको 3 साल बाद मौका मिलेगा पहले पायदान पे आने के लिए, फिर हम 6 साल तक काम करते हैं और 7वें साल में जाके ये कॉलर हमको मिलता है, तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत कीमती है। सर्विस एक्टिविटी के समापन पर होटल के हॉल में क्लब से जुड़े सभी बड़े सदस्यों का सम्मान क्लब के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में इंटरनेशनल इनरविल क्लब की अध्यक्ष ममता गुप्ता ने क्लब में विभिन्न पदों पर श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं का गर्मजोशी से स्वागत सम्मान भी किया। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।